हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी इंजीनियरिंग क्लासेस। आज की क्लास में हम इंटरफेस के बारे में पढ़ेंगे। जैसा मैं पिछली क्लासेस में कहता आ रहा हूँ आपको, इंटरफेस इज़ यूज्ड टू इम्प्लीमेंट मल्टीपल इनहेरिटेंस इन जावा। ये बात आपको याद रखनी है, जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस इज पॉसिबल विद इंटरफेस। अब ऐसा क्यों होता है, या इंटरफेस की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो मल्टीपल इनहेरिटेंस में हेल्प करती है, वो भी देखते हैं। पर पहले जरा इंटरफेस की जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो देखते हैं क्या क्या हैं। सो एन इंटरफेस इज़ ए कलेक्शन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। दैट मीन्स एक इंटरफेस में सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हो सकते हैं, नॉर्मल मेथड्स नहीं हो सकते। उससे हमें क्या पता लगता है कि एक इंटरफेस में अगर कोई भी मेथड है उस मेथड की डेफिनेशन नहीं होगी। एंड व्हेन यू इनहेरिट दैट इंटरफेस देन यू हैव टू ओवरराइड द डेफिनेशन ऑफ ईच एंड एवरी फंक्शन डिफाइंड इन द इंटरफेस। इंटरफेस में अगर 10 फंक्शंस आपने डिफाइन करे हैं तो आपको चाइल्ड क्लास में 10 के 10 फंक्शंस को ओवरराइड करना है। सो सबसे पहली बात तो इंटरफेस को आप एक्सटेंड्स नहीं करते हैं, इंटरफेस को आप इम्प्लीमेंट करते हैं विद द कीवर्ड इम्प्लीमेंट्स। तो अगर एक क्लास है, सपोज क्लास C1 दैट इम्प्लीमेंट्स एन इंटरफेस I1, तो लिखने का तरीका ये है, क्लास C1 इम्प्लीमेंट्स I1। I1 आपका इंटरफेस का नेम है। I1 is your interface name, this is the keyword and this is your class name. So this is the way to implement interface in a class. Now the important point about the interface is, unless the class that implements the interface is abstract, all the methods of the interface needs to be defined in the class. इसका क्या मतलब है, सपोज अगर आपके पास एक इंटरफेस है I1, इस इंटरफेस में 4 मेथड्स हैं और एक क्लास है C1 जो इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रही है। अंटिल एंड अनलेस आप इस क्लास के आगे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिखते हो, आपको सारे 4 मेथड्स को ओवरराइड करना है। यहाँ पे अगर एब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ है आपने तो ज़रूरी नहीं है, बट अगर ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं है तो आपको चारों मेथड्स को ओवरराइड करना है। अगर मैं एब्स्ट्रैक्ट लिख देता हूँ तो दैट क्लास कैन ऑल्सो कंटेन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, वो फिर फर्दर जब आप इसको इनहेरिट करोगे क्लास C1 को तब आपको डिफाइन करना है। क्लियर? नाउ लेट सी हाउ इंटरफेस इज एबल टू इम्प्लीमेंट मल्टीपल इनहेरिटेंस इन जावा। सो नाउ लेट सी हाउ इंटरफेस प्रोवाइड मल्टीपल इनहेरिटेंस इन जावा। वी विल क्रिएट 2 डिफरेंट इंटरफेस, फर्स्ट इंटरफेस विद द नेम I1, सेकेंड इंटरफेस विद द नेम I2। सो दीज आर 2 इंटरफेसेस। इसमें हमने एक बनाया फंक्शन पब्लिक वॉइड M1 और एक वेरिएबल लिया int i = 10। इंटरफेस I2 में भी सपोज सेम नाम का मेथड है पब्लिक void M1 एंड वेरिएबल है int i = 100। सो दीज आर द 2 इंटरफेसेस दैट आर क्रिएटेड। नाउ लेट्स सी हाउ ए क्लास कैन इम्प्लीमेंट एन इंटरफेस। सो अगर मेरे पास एक क्लास है इंटरफेस टेस्ट करके, और ये क्लास इन दोनों इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट कर रही है, तो मैं लिखूंगा इम्प्लीमेंट्स I1, I2। क्लियर? नाउ लेट्स सी। अब देखिए इंटरफेस में हमने क्या कहा था कि जितने भी मेथड्स हैं वो एब्स्ट्रैक्ट होने चाहिए,
एक और प्रॉपर्टी इंटरफेस की क्या है, वेदर यू डिफाइंड ए मेथड एब्स्ट्रैक्ट और नॉट, जेवीएम ऑलवेज मेक्स द मेथड इनसाइड एन इंटरफेस एब्स्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट बाय डिफॉल्ट आपका ऐड होगा, चाहे आप करते हो चाहे नहीं करते। क्लियर? नाउ मेथड एम वन इज एब्स्ट्रैक्ट इन बोथ द इंटरफेसेस, एंड हमने क्या कहा था कि अगर आपकी क्लास एब्स्ट्रैक्ट नहीं है तो आपको मेथड्स को ओवरराइड करना है। तो यहां पे अब मैं लिखता हूं अगर पब्लिक वॉइड एम वन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन चाइल्ड क्लास एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन टू एक्सेस एन वेरिएबल डिफाइंड इन एन इंटरफेस यू हैव टू यूज इट विद द इंटरफेस नेम डॉट वेरिएबल नेम, सो आई वन डॉट आई। सिमिलरली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन आई इन आई टू, आई टू डॉट आई। नाउ आफ्टर दिस राइट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास इंटरफेस टेस्ट, एंड कॉल द फंक्शन एम वन। दिस इज द कंप्लीट प्रोग्राम, राइट? अब देखिए हो क्या रहा है इसमें, आप यहां पे दोनों इंटरफेसिस को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, आई वन एंड आई टू। सो दिस इज मल्टीपल इनहेरिटेंस बिकॉज यू आर गेटिंग वैल्यूज फ्रॉम मोर देन वन पेरेंट। बट क्योंकि इंटरफेस की डेफिनेशन या प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जितने भी मेथड्स इंटरफेस में डिफाइंड हैं उसे आपको चाइल्ड क्लास के अंदर ओवरराइड करना कंपलसरी है, देर इज नो एम्बिग्यूटी। मल्टीपल इनहेरिटेंस में एम्बिग्यूटी क्या थी, अगर यहाँ पे एम वन की डेफिनेशन नहीं होती तो हमें पता नहीं लगता कि हमें किस पेरेंट के एम वन को कॉल करना है। बट इंटरफेस की प्रॉपर्टी के बाद ये डेफिनेशन देना कंपलसरी है चाइल्ड क्लास में। सो जब आप इस चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से M1 को कॉल करेंगे तो कोई एम्बिग्यूटी नहीं रहेगी। क्लियर? वी विल सी द कंप्लीट एग्जांपल इन द सिस्टम बाय राइटिंग द इंटायर कोड। नाउ लेट सी सिमिलैरिटीज बिटवीन इंटरफेस एंड क्लासेस एंड व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन इंटरफेस एंड क्लास। सबसे पहले देखते हैं कि सिमिलैरिटी क्या होती है एक इंटरफेस और एक क्लास की। सबसे पहला जो सिमिलैरिटी है वो है इंटरफेस कैन कंटेन एनी नंबर ऑफ मेथड्स। जैसे क्लास में कितने भी आप मेथड्स ले सकते हैं, ऐसे ही इंटरफेस में भी एनी नंबर ऑफ मेथड्स कैन बी एडेड। सेकंड सिमिलैरिटी इज इंटरफेस इज रिटन विद ए फाइल डॉट जावा एक्सटेंशन। आप एक क्लास की फाइल को भी डॉट जावा से सेव करते हैं, एक इंटरफेस की फाइल को भी डॉट जावा से ही सेव करना है। थर्ड इज बाइट कोड ऑफ इंटरफेस अपीयर्स इन डॉट क्लास फाइल। जैसे एक क्लास की भी डॉट क्लास फाइल बनती है बाइट कोड के लिए, ऐसे इंटरफेस की भी डॉट क्लास फाइल बनती है। इंटरफेस कैन ऑल्सो अपीयर इन पैकेजेस। आप पैकेजेस के अंदर ऐसे क्लासेस को ऐड करते हैं, वैसे ही इंटरफेसेस को भी आप पैकेजेस के अंदर ऐड कर सकते हैं। सो दीज आर द सिमिलैरिटीज। कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं इंटरफेस और क्लास के। सबसे पहला डिफरेंस है इंटरफेस कैन नॉट बी इंस्टेंटिएट। आप इंटरफेस को इंस्टेंटिएट नहीं कर सकते, उसका इंस्टेंस क्रिएट नहीं कर सकते, बना सकते आप। सो इंटरफेस कैन नॉट बी इंस्टेंटिएट। सेकेंड इंटरफेस डज नॉट हैव एनी कंस्ट्रक्टर्स। सो इंटरफेस में कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं होता,
जबकि क्लास के अंदर आपने देखा है कि कंस्ट्रक्टर होता है। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस इज ऑल द मेथड्स ऑफ इंटरफेस आर एब्स्ट्रैक्ट, ऑल द मेथड्स ऑफ इंटरफेस आर एब्स्ट्रैक्ट। जबकि एक क्लास या एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर भी आपका चॉइस है कि आप एब्स्ट्रैक्ट और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स रख सकते हैं। फोर्थ डिफरेंस इज इंटरफेस इज नॉट एक्सटेंडेड, रादर इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय ए क्लास। जैसे आप एक क्लास को तो एक्सटेंड करते हैं बट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं चाइल्ड क्लास के अंदर। फिफ्थ इज एन इंटरफेस कैन एक्सटेंड फॉर मल्टीपल इंटरफेसेस, अ इंटरफेस कैन एक्सटेंड मल्टीपल इंटरफेसेस। एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को एक्सटेंड करता है जबकि एक क्लास दूसरे इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है, यह आपको याद रखना है। एंड सिक्स्थ इज इंटरफेस कैन नॉट कंटेन इंस्टेंस फील्ड्स, सेवेंथ इज ऑल द वेरिएबल्स और फील्ड्स अपीयर इन इंटरफेस मस्ट बी स्टैटिक एंड फाइनल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितनी भी फील्ड्स हैं आपकी इंटरफेस के अंदर वो स्टैटिक और फाइनल होनी चाहिए। सो दीज आर सम ऑफ द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेज बिटवीन इंटरफेस एंड क्लास। दिस टॉपिक इज वेरी मच इंपॉर्टेंट विद द कंसेप्ट ऑफ थ्योरी एग्जाम्स। नॉर्मली इन थ्योरी एग्जाम्स में क्वेश्चन होता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन इंटरफेस एंड अ क्लास, और व्हाट आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन एन इंटरफेस एंड क्लास। तो आप इस तरह से दोनों के डिफरेंस और सिमिलैरिटीज को बता सकते हैं। नाउ लेट सी विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कोड डिस्कस इन दिस लेक्चर। लेट्स बिगिन विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरफेस कंसेप्ट इन जावा। इस इम्प्लीमेंटेशन में हम सबसे पहले देखेंगे कि इंटरफेस कैसे बनाते हैं, उसे क्लास के अंदर इम्प्लीमेंट्स कैसे करते हैं। उसके बाद दो डिफरेंट केसेस, एक केस वो होगा जिसमें हम इंटरफेस के अंदर डिफाइंड मेथड को क्लास में ओवरराइड नहीं करेंगे, और दूसरा केस वो होगा जिसमें हम इंटरफेस के अंदर डिफाइंड एक वेरिएबल को क्लास के अंदर मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे। इन सब के बाद हम एंड में देखेंगे कि मल्टीपल इनहेरिटेंस इंटरफेस के थ्रू कैसे पॉसिबल है। तो सबसे पहले अब हम एक इंटरफेस बनाते हैं I1। देखिए उसको कैसे बनाते हैं। यू विल सेव द फाइल नेम ऑफ एन इंटरफेस जस्ट लाइक ए नॉर्मल जावा फाइल, दैट इज नेम ऑफ द इंटरफेस डॉट जावा। जैसे यहां पे हमने i1.java करके सेव किया है। तो ये एक सिंपल सा इंटरफेस बनाया जिसमें एक मेथड है m1 और एक वेरिएबल है i। अब आप देखिए मैंने यहां पे मेथड के आगे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड नहीं लगाया है और ना ही वेरिएबल के आगे स्टैटिक फाइनल किया है, बट क्योंकि ये इंटरफेस के अंदर डिफाइंड है बाय डिफॉल्ट अ मेथड इज एब्स्ट्रैक्ट एंड वेरिएबल इज स्टैटिक फाइनल। अब देखते हैं हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आई को हम इनिशियलाइज कर लेते हैं जिससे पता लग जाए कि इसकी वैल्यू को हम चेंज कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। 10 से इनिशियलाइज करा हमने। सबसे पहले आप एक इंटरफेस को कंपाइल करेंगे जस्ट लाइक यू कंपाइल ए जावा फाइल, जावा सी i1.java। इसकी भी एक डॉट क्लास फाइल बन जाएगी। अब एक क्लास बनाते हैं और उस क्लास में इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। इंटरफेस को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको क्या करना है, क्लास, क्लास का नेम एंड यू हैव टू यूज अ कीवर्ड इंप्लीमेंट्स और इंटरफेस का नेम।
अब इसमें हम इंटरफेस के अंदर जो डिफाइंड था मेथड उसे ओवरराइड नहीं करेंगे, सिंपल हम एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बना के इसको रन करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या हमारा आउटपुट आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे आउटपुट क्या आया है आपका, इंटरफेस इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट एंड डज नॉट ओवरराइड एब्स्ट्रैक्ट मेथड M1 इन I1। तो इंटरफेस में मेथड एब्स्ट्रैक्ट डिफाइंड नहीं था, बट बाय डिफॉल्ट इसको हम एब्स्ट्रैक्ट ही लेते हैं, इसलिए यहाँ पे इस मेथड की डेफिनेशन को हमें ओवरराइड करना कंपलसरी है। सो अब देखते हैं कि हम इसको ओवरराइड करके क्या कैसे लिख सकते हैं। अब देखिए हमने इसको ओवरराइड कर दिया यहाँ पे और आई की वैल्यू को भी एक्सेस कर रहे हैं जो इंटरफेस के अंदर डिफाइंड है। अब देखिए यहाँ पे एक और आपको एरर दिख रहा है जो बहुत इंपॉर्टेंट एरर है, क्योंकि हमने यहाँ पे आई M1 को क्या एक्सेस दिया है, पब्लिक। जब हम उसको ओवरराइड करेंगे क्लास में तो आप उसको उससे कम एक्सेस नहीं प्रोवाइड कर सकते, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको भी हमें पब्लिक करना कंपलसरी है। अब देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आई की वैल्यू को हम एक्सेस कर पा रहे हैं और ये मेथड भी हमारा सही काम कर रहा है। तो इस तरह से इंटरफेस को आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हमने वो केस भी देख लिया जिसमें मेथड को हमने इसमें ओवरराइड नहीं किया था। अब हम देखते हैं कि क्या हम आई की वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हैं। इफ आई ट्राई टू राइट आई इज इक्वल्स टू I+10, लेट्स सी व्हाट एरर कम्स और इज इट पॉसिबल टू डू सो। सी कैन नॉट असाइन ए वैल्यू टू फाइनल वेरिएबल आई, जबकि हमने यहाँ पे इसको फाइनल डिफाइन नहीं किया है, बट बीइंग इन ए इंटरफेस इट इज बाय डिफॉल्ट स्टैटिक फाइनल। सो यू कैन नॉट ओवर राइड द वैल्यू ऑफ आई इन एन और एनी वेरिएबल इन एन इंटरफेस, यू कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। सो दिस इज हाउ यू कैन इम्प्लीमेंट एन इंटरफेस। नाउ आफ्टर डूइंग ऑल द केसेस लेट्स सी हाउ वी कैन अचीव मल्टीपल इनहेरिटेंस यूजिंग इंटरफेस। वी हैव वन इंटरफेस ऑलरेडी I1, लेट्स क्रिएट वन मोर इंटरफेस विद द नेम I2 एंड सेम मेथड एंड सेम वेरिएबल एज I1। लेट्स कंपाइल I2 ऑल्सो। नाउ वी हैव टू इंटरफेस विद नेम I1 एंड I2 विद सेम मेथड एंड सेम वेरिएबल। इसमें वेरिएबल को हम 20 से इनिशियलाइज कर देते हैं I2 में। अब देखिए जब हमें मल्टीपल इनहेरिटेंस करना है तो हमें क्या करना है, कॉमा I2। नाउ इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब देखते हैं कि इसमें एरर आता है या नहीं आता है। फॉर द टाइम बिंग आई एम कमेंटिंग आउट द वैल्यू ऑफ आई इन द प्रोग्राम और सिंपली हम प्रिंट कराते हैं M1 के अंदर टेस्ट को। देखिए कोई एरर नहीं आया है, दैट मीन्स इंटरफेस कैन बी यूज टू इम्प्लीमेंट और अचीव मल्टीपल इनहेरिटेंस। ऐसा क्यों हुआ, I1 में भी M1 मेथड है, I2 में भी M1 मेथड है, बट बीइंग बोथ द मेथड्स आर एब्स्ट्रैक्ट वी हैव टू ओवरराइड द डेफिनेशन ऑफ M1 मेथड।
अब इस क्लास में m1 नाम का एक ही मेथड हो सकता है, दैट मीन्स अगर मैं इस क्लास के ऑब्जेक्ट से m1 कॉल करूँगा तो वो हमेशा इसको इसी क्लास के अंदर मिल जाएगा. सो देर विल नॉट बी एन एम्बिग्यूटी वेयर इट विल हैव टू लुक फॉर m1 मेथड इन i1 और i2. तो इस तरह से आप मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव कर सकते हैं इंटरफेस के थ्रू. नाउ लेट सी, अगर मैं सेम वेरिएबल को एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, मॉडिफाई तो हम नहीं कर सकते क्योंकि वो स्टैटिक फाइनल होता है, बट क्या मैं एक्सेस कर सकता हूँ, देखते हैं एक बार. अब देखिए जो रेफरेंस है आई का वो एम्बिगुअस हो गया, मेथड की एम्बिग्यूटी तो हट गई क्योंकि मेथड यहाँ पे डिफाइंड हो गया, बट एक वेरिएबल को आप ओवरराइड नहीं कर सकते हो, तो आई की वैल्यू इसमें एम्बिग्यूस हो गई. तो उसको रिजॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, इंटरफेस नेम डॉट वेरिएबल नेम. सो इन दिस वे यू कैन रिमूव द एम्बिग्यूटी. अब इसमें अगर हम रन करेंगे तो हमारा कुछ आउटपुट ऐसा आएगा, वैल्यू ऑफ आई 10 i1 के लिए, वैल्यू ऑफ आई 20 i2 के लिए. प्लीज ट्राई टू रन ईच एंड एवरी केस इन योर सिस्टम एंड इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम पोस्ट योर क्वेरी इन द कमेंट सेक्शन. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. प्लीज सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल फॉर मोर ट्यूटोरियल्स ऑन जावा एंड अदर कंप्यूटर साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट्स.